हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की माइनक्राफ्ट की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हम लोग डायमंड्स को फाइंड करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमंड्स को फाइंड करना। सबसे पहले मैं ज़रूरी सामान वगैरह की चीज़ें रख रहा हूँ, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं वो उठा लेता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा पिकैक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और हमें टॉर्चेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ सामान नीचे पड़ा है तो वहाँ से भी मैं ले आता हूँ। टॉर्चेस, पिकैक्स और ज़्यादा सामान मैं बना लेता हूँ, यहाँ से वहाँ से लेके आया हूँ। तो हम लोग ये चीज़ें बना लेते हैं अच्छे से। तब तक गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग चलेंगे नीचे, माइनिंग करेंगे और चल के देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ से। तो माइनिंग के ज़रिए तो हम लोगों ने जो फाइंड करने हैं वो डायमंड्स फाइंड करने हैं। देखते हैं कितने पीसीस मिलते हैं हमें डायमंड के। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पीसीस हैं पड़े डायमंड के, लेकिन अगर और पीसीस हमें मिलते हैं तो हम लोग उसका डायमंड का आर्मर बनाएंगे अच्छे से, जो कि बहुत अच्छा दिखेगा और अच्छा वर्क करेगा। लेट्स बिल्ड दैट टॉर्च वगैरह बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि एज यू नो गाइस के टॉर्च वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि टॉर्च वगैरह लगानी पड़ती हैं माइनिंग करने के दौरान। तो ये टॉर्च वगैरह बिल्ड कर लिए, लेट्स गो अपने माइनिंग बेस में चलते हैं हम लोग। तो ये मेरा माइनिंग बेस है जहाँ पे मैं अक्सर औकात माइनिंग करता हूँ। तो बहुत नीचे वाले एरिया में आ गया हूँ, तो अभी इसे और ज़्यादा नीचे डिग डाउन करना शुरू करेंगे हम लोग इस एरिया से। मुझे लगता है बनाना चाहिए, तो इस एरिया से हम लोग नीचे चलते हैं माइनिंग करते हुए। आई होप सो के जो वाई लेवल माइनस 20 वाई लेवल माइनस 5 इससे नीचे ही हमें डायमंड्स मिलते हैं। वाई लेवल माइनस में जाना पड़ता है, और पहले ये था वर्जन 1.17 में ये था कि आप लोगों को वाई लेवल माइनस 5 से माइनस 15 तक मिलते थे। लेकिन इस जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको वाई लेवल माइनस 50 से नीचे जाना पड़ता है। 50-60 के दरमियान आपको बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, उससे ऊपर भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डायमंड जो होते हैं वो वहीं पे ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। इसलिए मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ वाई लेवल में, और हम लोग माइनिंग करते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे दोबारा डायमंड ढूंढने में, तो काफ़ी देर से मैं लगा हुआ हूँ और ढूंढ रहा हूँ डायमंड्स वगैरह। देखते हैं कितने पीसेस मिलते हैं। ऑलरेडी 9 पीसेस मेरे पास मौजूद हैं पड़े, तो अगर मेरे पास 15-20 पीसेस मिल गए तो हम लोग कंप्लीट डायमंड का आर्मर भी बना लेंगे, जो कि बहुत अच्छा दिखेगा। लेट्स डू सम माइनिंग नाउ। तो चलते हैं यहाँ से भी मैं ब्लॉक्स वगैरह तोड़ लेता हूँ। लेट्स ब्रेक दैट ब्लॉक्स, ये किसी काम के नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग माइनिंग करेंगे। लेट्स हैव इट, देखते हैं क्या क्या मेरे पास आया पड़ा। लेट्स ब्रेक दिस, थोड़ा नीचे जाने की भी कोशिश करूँगा। जैसे जैसे हम लोग माइनिंग करेंगे उस तरह से हम लोग थोड़ा नीचे जाने की भी कोशिश करते जाएंगे। एज यू गाइस नो कि ये डायमंड जो है ना बहुत रेयर होते हैं माइनक्राफ्ट में, आसानी के साथ नहीं मिलते, इसलिए हम लोगों को काफ़ी ना नीचे जाना पड़ रहा है। तो नीचे चलता हूँ, नीचे चलते हुए हम लोग माइनिंग करेंगे। लेट्स ब्रेक द ब्लॉक। तो गाइस लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और आप किस तरह की माइनक्राफ्ट वीडियोज़ देखना चाहते हो यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो। डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो लेट्स सी, ये टॉर्च वगैरह मैं लगा लेता हूँ यहाँ से, और आयरन पिकैक्स से ये ब्लॉक्स वगैरह तोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ ग्रेवल मिला है, इस ग्रेवल को ले लेते हैं हम लोग। ग्रेवल बहुत ही ज़्यादा, ग्रेवल नहीं सॉरी, फ्लिंट्स वगैरह मिल रहे हैं हमें। ग्रेवल वाला एरिया जो होता है ना, मिट्टी वाला, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ्लिंट्स मिलते हैं। तो फ्लिंट्स वगैरह बहुत सारे मैंने पिक कर लिए हैं। अच्छा हुआ ये, क्योंकि फ्लिंट्स वगैरह से हम लोग एरोज़ बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर से माइनिंग कर रहा हूँ, तो अभी तक डायमंड्स हमें नहीं मिले। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं वाई लेवल -23 पे। तो आप लोग ये जो पोजीशंस वगैरह देख रहे हैं सकते हैं, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता चलूँ। लेट्स डू सम मोर माइनिंग। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं माइनिंग करते हुए। लेट्स सी कि हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। लेट्स फाइंड दिस। तो अभी तक मुझे डायमंड्स वगैरह नहीं मिले, तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ और माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ। इस स्टेज पे आयरन भी मिलते, जब आप लोग वाई लेवल बहुत नीचे चलते हो तो स्टेज पे आयरन नहीं मिलते। तो रास्ता थोड़ा तब्दील करते हैं हम लोग, कहीं भटक ही ना जाऊँ, ये भी मेक श्योर करना होता है। रास्ता देखना पड़ता है आप लोगों को अच्छे से, जो है ना वो रास्ते को देखना पड़ता है। लेट्स सी यहाँ से मुझे मिलते हैं कि नहीं। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ,
लेट्स डिग डाउन ऑन द अर्थ, थोड़ा नीचे चल के माइनिंग करते हैं हम लोग। शायद नीचे मेरे वाई लेवल माइनस ज़्यादा पे चलते हैं, 30-40 पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। अंधेरा बहुत सारा छा चुका है, मेक श्योर करना जब माइनिंग करो तो यार टॉर्चेज वगैरह भी लेते आया करो आप लोग। नीचे चल रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई पीस नहीं मिले, तो इसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि डायमंड जो होते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये रेयर जो चीज़ है वो माइनक्राफ्ट में होती है, और एंशिएंट डेब्रिस भी मुश्किल से मिलती है, तो उसको भी हम लोग फाउंड करेंगे बाद में। डायमंड्स के आर्मर बना लें अच्छे से, तो बाद में हम एंशिएंट डेब्रिस भी फाउंड करेंगे। टूट गया मेरा पिकैक्स, दूसरे पिकैक्स से हम लोग जारी रखते हैं तैयारी, तो बहुत सारे पिकैक्स भी ले आया करो। मेरा ये प्लान है कि जितने मैं पिकैक्स लाया हूँ तब तक वो नहीं टूटे, तो मैं माइनिंग करता रहूँगा। देखते हैं तब तक हम लोगों को कितने डायमंड्स मिलते हैं। लेट्स सी मेरे पास क्या क्या सामान मौजूद है। टॉर्चेज मेरे पास बहुत हैं, 64 टॉर्च हैं भाई, भाई साहब इतनी सारी टॉर्चेज मैं बना के लाया हूँ ताकि अपने को माइनिंग करने में कोई भी मुश्किल का सामान ना सामना ना हो, फिर वापस जाना पड़ता है यार। सामान कभी कम हो जाता है, कभी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए मैं जो है ना सामान अपना पूरा लाया हूँ। मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं हम लोग डायमंड्स ढूंढने, तो हम लोग ढूंढ के ही जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पीसेज ढूंढेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पीसेज मिल गया तो हम लोग डायमंड का जो है ना आर्मर बना देंगे। तो गाइड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सर्वाइवल सीरीज़ कैसी लग रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो हम लोग ये बनाते जाएंगे। और डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आ रहा होगा। लेट्स सी, तो स्ट्रेट सीधा हम लोग माइनिंग करते हैं। अंधेरा सा छा जाता है लेकिन बाद में हम लोग टॉर्च लगाते हैं, थोड़ा सा रोशनी तो हो, नज़र तो आए कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, डीप स्लैट है, ये बड़ी देर लगा के टूटते हैं, चाहे आयरन का पिकैक्स भी हो तो थोड़ा टाइम लगा के टूटते हैं, इसलिए भी डायमंड्स को ना फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास डायमंड पिकैक्स है, तो मैं वो डायमंड पिकैक्स आप लगाऊंगा डायमंड को फाइंड करने के लिए, एंड मैं माइनिंग करने के लिए हम लोग वो उठा लेंगे बाद में। अभी तो कुछ पीसीज मैं तोड़ लेता हूँ, बाद में वही उठा लूँगा। लेट्स सी, यहाँ से भी तोड़ लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो यहाँ से भी वो राइट गाइस, तो हम लोगों को डायमंड मिल चुके हैं बिल आखिर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। देखता हूँ ये कितने पीसेस हैं। अबे भाई क्या एक ही पीस था? नहीं, और पीस होंगे मुझे लगता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइड बाय साइड कितने। ऑल राइट, तो दूसरा पीस भी हम लोगों को मिल चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों को फाइनली जो है ना वो डायमंड मिल चुके हैं यहाँ पे। लेकिन थोड़े पीस कम है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में और भी हम लोग तलाश कर लेंगे। लेट्स ब्रेक दैट, इनको तोड़ लेता हूँ। साइड बाय साइड का एरिया भी हम लोग कवर कर लेते हैं, साइड में शायद और पीस भी मिले। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ से तोड़ लेते हैं हम लोग। लेट्स हैव दिट, तो इतने से अपने का दिल नहीं भरेगा। हम लोगों को दो पीसेस तो मिल चुके हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा मेरा पूरा प्लान है कि हम लोग और पीसेस भी डायमंड के ढूंढने के, तो इसी लाइन पे -40 लेवल पे, 1 लेवल पे मिले, तो इसी लाइन पे हम लोग स्ट्रेट माइनिंग करेंगे। तो अब भाई की जो है लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम लोगों को और डायमंड्स भी चाहिए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डायमंड चाहिए क्योंकि मुझे डायमंड का आर्मर बनाना है। तो काफ़ी देर से मैं माइनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड किया वीडियो। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमें मिली हैं ग्लो कर रहे थे, इसलिए मुझे ग्लो स्टोन्स याद आ गया। ये हैं रेड स्टोन्स जो कि फार्म्स वगैरह को बिल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि हमें डायमंड्स आगे मिलते हैं कितनी देर बाद। सो आई एम डूइंग माइनिंग राइट नाउ, तो आगे चलेंगे, आगे चल के देखेंगे कि कितनी देर बाद हम लोगों को डायमंड्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो दूसरा इवेंट डायमंड का मुझे मिलता है कि नहीं। 2-3 डायमंड्स हो चुके हैं भाई के पास ऑलरेडी। लेट्स सी कब तक हमें मिलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आ रही है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। लेट्स ब्रेक दैट। तो यहाँ से फ्लिंट्स वगैरह मिलेंगे, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ से, ताकि सामने और स्ट्रेट जाने में आसानी हो भाई को। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं स्ट्रेट। लेट्स सी यहाँ पे हमें कितना कुछ मिलता है, क्या कुछ मिलता है। लेट्स हैव इट। टूट जा बेटे, टॉर्च लगा लेते हैं हम लोग अच्छे से। 3 पीसेस हो चुके हैं मेरे पास डायमंड के, वही जो अभी वही पीसेस मिले हैं 3 मुझे डायमंड के। लेट्स ब्रेक दिस, इसको तोड़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि अभी हमें। ऑल राइट गाइस,
तो यहाँ पे भी मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मिल गया टुकड़ा, अरे और दो और दो और दो और दो डायमंड्स भाई, और चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है डायमंड्स की। क्या बताऊँ यार, बहुत किल्लत हो चुकी है अभी। भाई के पास आयरन की तो कमी नहीं है, लेकिन डायमंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, पता ही क्या। आयरन का हम लोगों ने फार्म बना लिया, लेकिन डायमंड्स का अभी तक नहीं बिल्ड किया। तो बहुत ज़्यादा डायमंड्स हमारे पास हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो 3-4 हो चुके हैं। साइड बाई साइड के एरिया क्लियर कर लेते हैं, क्या पता साइड पर और डायमंड्स पड़े हों, लेकिन कुछ भी नहीं लगा नज़र आ रहे। तो थोड़ा आगे चलेंगे, आगे चल के और माइनिंग करेंगे। तो अभी इस साइड पे कुछ भी नहीं थे आयरन, तो इसलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे चलेंगे, आगे चल के देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिलता है। लेट्स हैव इट एंड शो दिस पर्सन वी हैव टू बी फाउंड, लेट्स गो डू इट मैन। टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मैं आगे आ चुका हूँ, थोड़ी सी मैंने वीडियो भी वो किया फास्ट फॉरवर्ड किया। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे जो है 5 पीसेस मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर जो है और है डायमंड इसमें। वैसे भी बहुत ज़्यादा रेयर होती है रियल लाइफ में भी, तो माइनक्राफ्ट ने रियल लाइफ से मुझे लगता है इंस्पायर होकर डायमंड्स पुट किए हैं। तो 5 पीसेस भाई के पास ऑलरेडी हो चुके हैं, लेट्स सी और कितने पीसेस मिलेंगे मेरे पास। और सामान और पिकेक्स वगैरह में भी मेरे टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेट्स सी। बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन फाइंड करूँ। और लाइट गाइस, तो और पीसेस हम लोगों को मिल चुके हैं डायमंड्स के, लेट्स ब्रेक दैट। इसको तोड़ते हैं, इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ जाओगे बच के, तुम्हें भी कलेक्ट कर लूँगा। लेट्स हैव दिस, लेट्स हैव ऑल दिस डायमंड्स इन और पॉकेट। तो इन सबको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। साइड को बाई साइड का एरिया हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्या पता कुछ और डायमंड पड़े हुए छुपे हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं है। लेकिन नॉट बैड यार, अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जितने टाइम तो लगा, लेकिन डायमंड मुझे अच्छे मिल गए हैं, ठीक है। एवरेज थे, बहुत ज़्यादा नहीं मिले ना बहुत कम मिले हैं, ठीक है, एवरेज मिले हम लोगों को। लेकिन इतने से काम बन जाएगा अपना जो है ना, ये वर्थ इट है नॉर्मल लेवल के। तो भाई की स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, -50, -40 और -50, -60 इस स्टेज पे ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं। तो गाइस लोग बहुत ज़्यादा माइनिंग के बाद मैं थक गया हूँ। तो 10 पीसेस डायमंड्स के अपने भाई को मिल चुका, मैं वापस जा रहा हूँ। देख सकते हो यार कितना दूर से आया हूँ मैं इस एरिया को माइन करते हुए। आप लोगों को ये जस्ट दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है भाई की। इस तरह नहीं कि 2 मिनट में जो है ना डायमंड्स मिल गए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है भाई की। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से कितनी दूर मैं आया हूँ। ये जो स्टोन्स के ब्लॉक हैं ये टूटते भी बहुत मुश्किल से हैं। मेरे पास तो थैंक गॉड आयरन फार्म है, तो इसलिए मैं आराम से आयरन पिकैक्स वगैरह चीज़ें ये वो बना लेता हूँ। बट बहुत दूर आया हूँ, लेकिन रास्ता भी ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं हुई मुझे। तो आराम आराम से रास्ते मिलते जा रहे हैं मुझे, कोई इशू की बात नहीं है। टॉर्चेस और लेंथ को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, यहाँ से आराम से मुझे यहाँ से भी मिल गया रास्ता। तो बहुत दूर आया था यार, मैंने थोड़ी वीडियो कट आउट कर लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर आया हूँ। लेट्स हैव दैट नैप। तो देखते हैं यहाँ से आगे, आगे चलते हैं, आगे चल के चलते हैं छत पे अपनी। तो गाइस लोग मैं पहुंचने वाला हूं अपने उस पे। तो देखो फ्रंट साइड एरिया में आ चुका हूं, बस ये एरिया आप लोगों को याद होगा अगर आप मेरी और वीडियोस भी देखते हैं। तो बस अब हम लोग अपने घर की ओर चलते हैं। यू होप सो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।